Now consider that example regarding type promotion, not a type question, because here we are assigning character type type of value inside integer type values. Character means 1 bytes, integer means 2 bytes. जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल ch. सिंस ch इज इंटीरियर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स, व्हाट इज द साइज ऑफ कैरेक्टर इन c, इट विल टेक्स ओनली 1 बाइट. साइज क्या होगा इसके, इसमें 1 बाइट. अगर बिट्स में बात करें तो टोटल बिट्स कितने होंगे, इक्विवेलेंट टू 8 बिट्स. टोटल बिट्स कितने एलोकेट होंगे इसके, इसमें देयर आर 8 बिट्स फॉर कैरेक्टर वेरिएबल ch. नेक्स्ट वन, ch के केस में साइन हो रहा है वैल्यू एज 128. एज वी नो किसी भी टाइप के कंटेंट से वेरिएबल में साइन करें, मीन्स मेमोरी, मेमोरी के केस में डेटा में सब बिट्स के फॉर्म में साइन होगा. देयरफॉर रिक्वायरमेंट क्या होगा इसके, इसमें कन्वर्टिंग दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू इज 17 × 0. देन टोटल बिट्स कितने रिक्वायर्ड इस डेटा को स्टोर करने के लिए, ओनली 8 बिट्स. और सीएच के वेरिएबल के पास अवेलेबल भी कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स. तो इस केस में राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट करें, सबसे पहले 0, अगेन 0 0, रिमेनिंग टाइम्स आल्सो 0 0 0 0 0 1. दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल सी एच. एच वी नो सी एच के केस में असाइन क्या किया, पॉजिटिव नंबर, लेकिन साइन बिट 1 फाउंड हो रहा है, इसलिए साइन बिट 1 के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव नंबर. टू इस कॉम्प्लीमेंट के बाद जब इसका वैल्यू निकालें तो रियल में इसका रियल केस के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू −128. लेकिन इस केस में डिस्प्ले क्या कर रहा है, ओनली वैल्यू ऑफ एक्स. नेक्स्ट वन, एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर वेरिएबल एक्स. एज वी नो x इज अ इंटीजर टाइप वेरिएबल, देयरफॉर 2 बाइट्स आर एलोकेटेड फॉर x. x के पास टोटल बाइट्स कितने हैं, 2 बाइट्स. 2 बाइट्स आर इक्विवेलेंट टू 16 बिट्स. इस x के लिए टोटल बिट्स कितने ऑक्यूपाई होंगे, 16 बिट्स. नेक्स्ट, वी आर कॉपिंग डेटा सी एच, मीन्स एक्सप्रेशन क्या राइट हुआ है, एक्स इक्वल टू सी एच. एक्स इक्वल टू सी एच मीन्स सी एच के अंदर वेरिएबल सी एच में जो भी डेटा स्टोर है, डेटा असाइन किस में करें, इन साइड वेरिएबल एक्स. बट इन केस ऑफ सी एच, सी एच के पास टोटल अवेलेबल बिट्स कितने, ओनली 8 बिट्स. एंड एक्स के पास अवेलेबल बिट्स कितने, 16 बिट. मीन्स 8 बिट डेटा कॉपी कितने बिट्स में हो रहा है, 16 बिट्स में सक्सेसफुली कॉपी करना पॉसिबल है. लेकिन ये असाइनमेंट कैसे होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. लेकिन अगर 8 बिट्स में 16 बिट में कॉपी करो तो इसके ओनली कितने बिट्स फिल होंगे, ओनली फर्स्ट 8 बिट. रिमेनिंग बिट्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए रिमेनिंग बिट्स में स्टोर क्या हुआ, डिफॉल्ट वैल्यू. डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, साइन बिट ऑफ कॉपी डेटा, मीन्स जिस डेटा को आप कॉपी करो उस डेटा का साइन बिट असाइन हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू. लेट्स सी असाइनमेंट कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट. इस राइट टू लेफ्ट जब डेटा साइन करेंगे, 0 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
इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए वाइडनिंग कन्वर्जन में या टाइप प्रमोशन में रिमेनिंग बिट्स में आसान क्या कराएं, डिफॉल्ट वैल्यू। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू? डिफॉल्ट वैल्यू इज सेम एज साइन बिट ऑफ द सोर्स वैल्यू। मीन्स इस केस में डेटा किससे कॉपी हो रहा है? सी एच से, इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू कैसा नहीं हुआ, सेम एज साइन बिट ऑफ सी एच। अगर सी एच का साइन बिट जीरो होता देना आसान क्या होता, ऑल टाइम्स जीरो, लेकिन सी एच का साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है, वन, इसलिए आसान क्या हुआ, ऑल टाइम्स वन। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के समय वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है, नाइन टाइम्स वन, सेवन टाइम्स जीरो, मीन्स नाइन टाइम्स वन एंड सेवन टाइम्स जीरो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एक्स इन टू बाइट्स लाइक दैट। देन वी आर डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ एक्स। एज वी डिस्कस सी एच में कैसा किया है, 128, मीन्स इनडायरेक्टली सी एच में आसान किया वो -128। जब अगर -128 आसान हुआ तो एक्स में भी क्या आसान होना चाहिए, ऑल्सो -128, बिकॉज
इन केस ऑफ टाइप प्रमोशन कभी भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट होने के चांसेस नहीं, तो रिजल्ट्स कैसे आना चाहिए, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट सेम एज वैल्यू ऑफ सी एच। अगर सी एच का वैल्यू डिस्प्ले कराओ इस प्लेस पर तो सी एच का वैल्यू भी क्या मिलेगा आपको, ऑल्सो -128। डिस्प्ले किसके थ्रू करना, बाई यूजिंग परसेंट डी -128। तो एक्स के केस में क्या मिलना चाहिए, -128। चेक इट, एक्स के केस में जब डेटा डिस्प्ले कराएं तो उसका एक्स का भी साइन बिट क्या फॉर्म हो रहा है, ऑल्सो वन, मीन से नंबर कैसा है नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर्स को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट इज इक्वलेंट टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। रिक्वायर्ड क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स 0000001111 देन प्लस वन, प्लस वन ऐड कराएं, इक्वलेंट किसके 127, 127 प्लस वन इज इक्वलेंट टू 128। लेट्स सी, वन प्लस वन इज जीरो, साइन बिट इज सॉरी कैरी इज वन, अगेन वन प्लस वन इज जीरो कैरी इज वन, वन प्लस वन इज जीरो कैरी इज वन, जीरो 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 कैरी इज वन, रिमेनिंग टाइम्स कैरी जीरो आएगा, इसलिए रिमेनिंग टाइम्स सारे सारे वैल्यू क्या है जीरो। डेसिमल क्या इसका, टू दी पावर सेवन मीन्स 128। देखने 128 टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद रिसीव हुआ इसलिए साइन कॉन्सेप्ट आएगा माइनस, इसलिए फाइनली इसका रिजल्ट क्या, इसके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज ऑल्सो प्रिंटेड एज -128। दिस इज मीन बाई टाइप प्रमोशन।